तो ये गाड़ी जो है ना नंबर लगने के बाद ही रोड के ऊपर। तो टोकन क्यों नहीं पे करवाया? टोकन नॉलेज में नहीं था पे करना। 6 साल अपने चैनल के लिए गलत बयानी ना करें। थे ही नहीं जब मैं इधर रोका गया हूँ, आप इस दफा थे ही नहीं। मेरी टीम के इस दफा कोई कैमरा में था। अच्छा, आपको ये कह रहे हैं कि मैं पिछली दफा यहाँ पे नहीं थी, इसका मतलब है कि यहाँ से गुजर के गए थे और इनको बकायदा रोका गया था और ये भाग गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, डिफ़ाल्टर और अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज की जानिब से जगह जगह पर ना सिर्फ नाके लगाए गए हैं बल्कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को रोक कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि महकमा एक्साइज रिकवरी के लिए क्या इकदाम कर रहा है और लोग इनके साथ किस हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, मौका पर ETO मंजिर हाली साहब भी मौजूद है और इंस्पेक्टर जमील साहब भी मौजूद है। जमील साहब, मुझे बताइएगा गाड़ी को क्यों रोका गया, क्या मसाइल है इनके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी को इसलिए रोका गया जी, गाड़ी अप्लाइड फॉर है और उसको अभी तक नंबर नहीं लगा हुआ। नंबर क्यों नहीं लगाया भाई जी? अभी गाड़ी परचेज ही किया तो इसलिए नंबर लगवाना, अभी 500 चली है गाड़ी, तो जनरल चेकअप करवा के शोरूम से लेके आ रहे हैं। तो सर ने हमें बताया है कि जो गाड़ी जो है ना फ्लाइट पर आप रोड पे नहीं लेके आ सकते, तो हमने उनकी बात से जो है ना वो एग्री किया है, तो इंशाल्लाह नंबर लगवाते हैं। क्या कहेंगे जमील साहब? देखें जी, कानून तो हमारा नहीं है क्योंकि कानून आपको तो अल्लाह के मुताबिक हो, वैसे भी हाई कोर्ट की तरफ से बड़े सख्ती ऑर्डर आए हुए हैं कि एक जो स्मोक वाली गाड़ियाँ हैं, दूसरा सेकेंडली जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी है उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए, और एक्साइज एंड टैक्सेशन DG हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से, डायरेक्टर आसफ की तरफ से बिल्कुल जो क्लियर है कि गाड़ी बगैर नंबर के जो है ना सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से भी आपने रोड पे आने नहीं देनी। अब ये 681 चली, इसमें कि ये गाड़ी चली हुई है, अगर उन्होंने कहा कि एक पर्सन भी, क्योंकि शोरूम को भी 30 मिल चुकी हुई है, वहाँ से गाड़ी का नंबर लगता है वो बाहर आती है, और लोगों को एजुकेट किया गया रहा है, इसी सिलसिले में किया जा रहा है और सहूलत दी जा रही है, ई पे भी सहूलत दी जा रही है, उसका मतलब यही है कि लोग घर बैठे अपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाएँ और जो है ना इसको जो है ना रोड के ऊपर लेकर आएँ। क्या नाम है आपका? उस्मान। कहाँ से आ रहे हैं जी? कहाँ से? छोटा जनाब मोटर से। कहाँ जा रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी लेके अब घर खड़ी करनी जाके। अच्छा, तो इतनी देर से मुहिम का आगाज हुआ हुआ है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, आपके नॉलेज में ये बात नहीं थी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि गाड़ी के जो स्टेयरिंग से आवाज़ आ रही थी, तो वो इसलिए जो है ना गाड़ी की सेफ्टी के लिए उसको चेक करवाने गए थे। नंबर के लिए हमने अप्लाई करना, नंबर हमारा इंशाल्लाह सुबह तक परसों तक लग जाएगा इंशाल्लाह। जी, आप देख सकते हैं कि ये अप्लाइड फॉर गाड़ी है जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट ही नहीं लगी। इनके जो गाड़ी में लोग हैं उनको रोका गया है, पूछते हैं कि क्या मसला है इनका। तो ये गाड़ी जो है ना नंबर लगने के बाद ही रोड के ऊपर आ सकती है। अब देखिए, एक तो गाड़ी पीछे ऑलरेडी चल के आई है और यहाँ पे भी जो है ना वो काफ़ी हजरत है, जो गाड़ी आपकी चल चुकी है, तो आपने नंबर नहीं लगाया हुआ। डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो रजिस्टर करें, डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आ सके। डॉक्यूमेंट्स रोड पे ना लेके आप, ये देखे ना आप लेकर नहीं आते, गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा चली हुई है। पाकिस्तान में नहीं चली, पाकिस्तान के अलावा देखें, उसके अलावा भी देख रहे हैं ना जापान में। अच्छा चले, बहरहाल हम इसको ना खड़ी कर दे, रजिस्टर करवा नहीं, इसका जो है ना जो एक्साइज एडिक्शन और जो कानून है जो अब हाईकोर्ट की तरफ से भी आ गया है और हमारे परसेंट दूसरे लोगों से भी आ गया है कि गाड़ी आप चला ही नहीं सकते, अनरजिस्टर्ड गाड़ी रोड के ऊपर लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि इसके लिए ईपे की सहूलत दी इसी लोगों के दी कि घर बैठे आप जो है ना इसको कम से कम इसकी बुकिंग करवा लेना। डॉक्यूमेंट्स जो है ना, डॉक्यूमेंट्स इसके डॉक्यूमेंट कितनी देर से नहीं आए? वो अभी आए नहीं है, अभी जो है ना मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन पहले घड़ी आई। गाड़ी आपकी 2-4 माह पहले ज़्यादा चल चुकी हुई है? 4 माह नहीं चली, 2-4 दिन पहले पाकिस्तान में अराइव हुई है, अभी इसके डॉक्यूमेंट जो है ना वो जापान में पहुंच गए हैं। इसके लिए जो है ना आपको हम बता रहे हैं, हम क्या करें, हम कर लेते हैं। गाड़ी जो है ना वो रजिस्टर होगी और इसके लिए आपको जो है ना हमारे मंजर खाल साहब हैं। हाँ, रजिस्टर करवा लेते, कोई बात नहीं। नाजी, यहाँ पे एक और गाड़ी को रोका गया है, पूछते हैं कि उनके मामला क्या हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या मसला, क्यों गाड़ी को? मैडम, इनके 6 सालों के टोकन शार्ट हैं, ठीक है, 69,530 रुपये पेमेंट है, ठीक है, ये अपन गाड़ी इनकी हमने बंद कर दी है, ये पेमेंट जमा कराएंगे ऑनलाइन तो इनकी गाड़ी छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? आरिस। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं लिबर्टी मार्केट जा रहा हूँ। तो टोकन क्यों नहीं पे करवाया आपने? टोकन नॉलेज में नहीं था पे करना। 6 साल? 6 साल से आपके नॉलेज में? गाड़ी की आई हुई 6 साल नहीं हुए। अच्छा, आप अभी पे करेंगे? अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है ना, ये हमारी मिस्टेक है कि हमने नहीं करवाया, लेकिन हम करवा देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दे, ऐसा नहीं है ना कि अभी हम रोड पे खड़े हैं, अभी मतलब 70,000 हमारा वो है, तो ये हमारी मिस्टेक है, हमें करवाना चाहिए तो हमने नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम अभी आज ही करवा देंगे, लेकिन ये नहीं है कि अभी खड़े खड़े ऑनलाइन पे करें, बच्चे के पास इतनी अमाउंट नहीं है ना, तो इसके फादर ही ऑफकोर्स करवाएंगे, तो आप काइंडली बैंक के थ्रू करवा सकती हैं आप? हाँ, करवा के थ्रू, लेकिन अभी वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो अब उनको कॉल करेंगे, वो किसी मीटिंग में हैं, तो अब कैसे इमरजेंसी में? आपको भी पता है कि काफ़ी देर से जो है मुहिम का आगाज किया गया है, आपके नॉलेज में नहीं था? मैं एडमिट कर रही हूँ, मैं तो अपनी उसको एडमिट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कह रही कि भाई ये हमने अच्छा किया है, हमने बिल्कुल वो नहीं किया, लेकिन मतलब कि नहीं पता था, अच्छा कि आपने वो मतलब रिमाइंडर दिया, हम करवा देंगे आज,
ठीक है, लेकिन राइट नो नहीं हो सकता क्योंकि इसके फादर आउट ऑफ सिटी हैं और वहाँ मीटिंग में हैं, तो हम इतनी अमाउंट तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना, तो अब हमें थोड़ा टाइम दें तो हम आज में करवा देंगे, कल अगर गाड़ी रोड पर आई ऐसे तो फिर ये कर लीजिएगा, अभी हमें जाने दें प्लीज़। क्या कहेंगे सर, क्या रिलीफ देंगे इन्हें? यही दे सकते हैं, ये पेमेंट जमा करेंगे तो फिर जाने देंगे, वरना तो इनको नहीं देंगे जाने, क्योंकि 6 साल। आपने सुना कि इनका कहना था कि 6 साल से ये डिफॉल्टर है और अभी तक टोकन टैक्स पे नहीं किया गया, और जब तक टोकन टैक्स पे नहीं किया जाएगा गाड़ी को इससे आगे नहीं भेजा जाएगा। नाज़िन, ये मेरे पीछे वो गाड़ी है जो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले भी इसको रोका गया था, तो ये लड़का जो था गाड़ी लेके भाग गया था, आज एक दफ़ा फिर इसको रोका गया है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। पिछली दफ़ा भी इसको रोका गया था, ये भाग गया। हाँ जी, हाँ जी, 23,000 किलोमीटर चली है, अभी तक उन्होंने नंबर नहीं लगवाया, ये लिहाजा हम गाड़ी इसको बंद करेंगे। 23,000 किलोमीटर चली है, ना इनके पास आईडी कार्ड असल है, ना अभी ड्राइविंग लाइसेंस लड़ेंगी, ना घर के पेपर है। ये नहीं है, ये अच्छा भाई मुझे बताइएगा, पिछली दफ़ा भी आपको रोका गया था, भाग गए। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू यू, और आप अपने चैनल के लिए गलत बयानी ना करें। मुझे पिछली दफ़ा बिल्कुल नहीं रोका गया, एक सेकंड, मुझे पिछली दफ़ा बिल्कुल नहीं रोका गया और मैं बिल्कुल नहीं भागा। आप ये बात कैसे कर रही हैं, मैं पिछली दफ़ा रोका गया और मैं भागा? अच्छा, अभी आपका क्या चैनल के लिए बात कर रही हैं? आपने बात स्टार्ट गलत की है। आप नहीं 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 सर, जमीर साहब इनको भेजें, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ बात करने में, मैं इनके साथ बात करने में कंफर्टेबल हूँ। आप जा सकते हैं, मैं नहीं, ये मौका नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, ये राइट है इनका, तो हम इससे बात कर लेते हैं। ये भाई देखे मीडिया वाले आपको किसने कहा पिछली दफा मीडिया वाले कोई आपको बताओ, आपके पास प्रूफ है मैं भागूं पिछली दफा? अगर प्रूफ निकल आए तो निकाले, ठीक है। मैं अपने प्रोड्यूसर का कहूंगी कि जो पिछली दफा की फुटेज है वो जरूर लगाए। थे ही नहीं जब मैं इधर रोका गया हूं, आप इस दफा थे ही नहीं, मेरी टीम के दफा कोई कैमरा में था। अच्छा, आपको ये कह रहे हैं कि मैं पिछली दफा यहां पे नहीं थी, इसका मतलब है कि यहां से गुजर के गए थे और इनको बकायदा रोका गया था और ये भाग गए थे। ये मैडम, हमने ये प्लेटफार्म गाड़ी पकड़ी है, आज हम सारे यहाँ प्लेटफार्म पकड़ रहे हैं, ज्यादातर आ रही है। मैं भी यही देख रही हूँ कि काफी देर से काफी इम्प्लॉयड फोर जो गाड़ियां हैं वो रोड पे चल रही हैं, डिफॉल्टर भी, अनरजिस्टर्ड भी हैं, टोकन टैक्स नहीं पे किए। आज हमने एक BMW पकड़ी है, तकरीबन उसका कुछ 40 लाख रुपया पेमेंट जमा होनी है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसलिए इस तरह हम प्लेटफार्म गाड़ी काफ़ी पकड़ रहे हैं जो लोग रोड पर ला रहे हैं, जैसे ये अभी ये भाई अपना लेके आए हैं, इस तरह प्लेटफार्म काफ़ी गाड़ियाँ हैं, वो अनरजिस्टर भी है, वो टोकन शार्ट भी है, डिफॉल्टर भी है, तो ये अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, घर से गाड़ी निकालने से पहले उसका नंबर लगाएं। तो ये लोग बगैर नंबर के चला रहे हैं, इनको चाहिए कि नंबर लगवा के चलाएं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना इनका कहना था कि गाड़ी को नंबर लगा के जो है कि वो गाड़ी रोड पे लेके आए। सबसे बड़ी बात कि एक्साइज की जो रिकवरी है उनको कवर करने के लिए आप देख सकते हैं कि महकमा एक्साइज के लोग जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। सर बताइएगा, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इमरान। अभी तक टैक्स क्यों नहीं पे किया आपने? टैक्स मेरा सही है, अप्लाई। अच्छा, नंबर नहीं लगवाया जी। ये कराची से आते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, जैसे आएंगे मेरे पास वो रसीद है, जैसे आएंगे फ़ौरन रजिस्टर हो जाएगी। कराची से आते हैं ना डॉक्यूमेंट्स से? डॉक्यूमेंट अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। कितने दिन लगेंगे? बस उधर से हो गए हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे। एक दो दिन में आ जाएंगे, फिर फ़ौरन लगवा लेंगे। जी जी फ़ौरन, अल्हम्दुलिल्लाह। सहूलत की है तो लाजमी बात है, फौरी तौर पर करवाते हैं। नहीं, अभी तक आपका बनाया ही नहीं? सर बनाया है, वो लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवाए थे। आपको तो पहले थोड़ा मुश्किल होता था जाना, लाइनों में लगना, उसकी वजह से। आप कितनी एज है आपकी? सर 40 एज है, तो अब आप लर्निंग बना? नहीं सर, मैंने 2-3 दफ़ा बनवाया है। एक्सपायर हो गया था आपका? जी एक्सपायर हो गया था, उधर से ठोकर पे कई दफ़ा मैं जाता था तो उधर से बारी नहीं आती, वापस आ जाता। गाड़ी आप रेगुलर चलाते हैं तो आपके पास उसके जो लाइसेंस है वो कागज़ है वो भी तो सारे? मेरा घर जो है फिजाइया में, मतलब रेंट पे है, और मेरा ऑफिस है। मैं मोस्ट बहुत कम चलाता हूँ गाड़ी, मतलब ऑफिस में रहता हूँ, हफ्ते बाद फिर इधर आता हूँ। क्या कहेंगे सर? मैडम यही कहेंगे कि इनको खुद ही चाहिए कि देखें, ना ड्राइविंग लाइसेंस है इसके इनके पास, ना आईडी कार्ड इनके पास। आईडी कार्ड मेरे पास है, लेकिन वो कलर फोटोकॉपी है। कलर फोटो तो वो तो समझे ना हुआ, वो असर आता है तो मेरे पास ही है, मैं अभी अवेलेबल भी कर सकता हूँ ओरिजिनल। आपको रोका गया, आपको परेशानी हो रही है, तो इसी तकलीफ से बचने के लिए आप ये चीज़ें, आप डॉक्यूमेंट्स अपनी गाड़ी में रखें। जी ये मेरे पास गाड़ी के हैं, एक्चुअली आईडी कार्ड। आईडी कार्ड तो मस्ट है ना? जी मैम, आइडेंटिटी है। एक्चुअली मैम वो गुम हो जाता है, मेरे पास ये है, मैं अभी उधर से ला के प्रोवाइड भी। छोटे बच्चे हैं? नहीं मैम, हो जाता है, मेरे 2 बार हुआ है तो बार बार करवाना पड़ा है, ओरिजिनल इसलिए नहीं रखते। तो बड़ी बात है ये, तो वैसे बहाने वाली बात हो। नहीं नहीं मैम, बहाना नहीं है, ये ओरिजिनल बात है, मेरे साथ हुआ है, तो फिर वो फौरी तौर पे मैं ला के दिखा दूंगा, उसका इशू नहीं है। आईडी कार्ड मंगवा जी, मैं अभी आ जाता हूँ खुद लेके। मंगवाई है? नहीं, ठीक है ना, अभी इसको 5-6 दिन ही हुए हैं। ये देखिए लेपर्ड वालों का नंबर, ये कल उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी फाइल आ गई है, ये कल मैंने रिसीव की है, तो आज जाके जाऊँगा ना मैं।
जब फाइल आनी है 5-6 दिन हुए। ये देखे, ये सबूत देखे, 21 को आकर चलाने, उससे पहले इन्होंने कहा था कि जी हमें 3-4 दिन का टाइम दिया, फिर हमने 300 किलो खुद कह रहे हैं आप 300 किलो, 1 किलोमीटर के भी ना ज्यादा है। मैं आपको ना दिखाऊँ ये उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये हमने शायद पढ़ा नहीं है, आप इसको ले रहे हैं। ये देखिए लैपटॉप वाला का मैं आपको, आप गाड़ी रोड पे चला ही नहीं सकते, फिर आपको इतनी जरूरत है आप रोड पे चला ही नहीं सकते, आप फिर बहस कर रहे हैं। नहीं नहीं बहस नहीं सर, मैं कर रहा हूं, सीनियर ने आपको रोकने की कोशिश की, आप उनको ऊपर चलाई जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आपको रोका क्या, आप भागने लगे थे स्टेट पे, उन्होंने आपको रोका नहीं रहा, गाड़ी यहां पे लग सकती थी वहां पे, मैं गाड़ी के पीछे कैसे गाड़ी लगा। पिछली दफा अभी मुझे पोर्ट से पहले आपने झूठ बोला था, यहां पे झूठ बोल रहे हैं। ये देखें बाजी, मैंने उस टाइम भी यही कहा था इनको कि मेरी अभी डॉक्यूमेंट नहीं आए मेरे ना, जब डॉक्यूमेंट आएंगे तो मैं सबमिट करूंगा ना, उसके बगैर तो कागज बन ही नहीं सकते। ये देखें 21 और 26, ये हो गए डेट दे दी हमने, वैसे टाइम नहीं देते, इन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने इसी तरह इन्होंने हमें कहा चले हमने छोड़ दिया। अब ये हमारे सीनियर हैं मंजर खाजी साहब, इन्होंने गाड़ी खुद रोकी है, तो फिर जो है ना दोष कर रहे थे। गाड़ियां लगी, मैं कैसे चले, आपकी बात ठीक हो गया, आप दुरुस्त हैं, आप 1 किलोमीटर नहीं चला सकते, आपने 300 किलोमीटर कह दिया, गाड़ी आपकी इनकी बंद होगी जी, एक्साइजर टैक्स है, अगर आज इन्होंने करा दी ठीक है, नहीं तो एक्साइजर टैक्स है, हम फरीदकोट हाउस लेकर जाएंगे इनको, लॉक लगा दें। मुझे बताएं कि ये आपकी ही सहूलत के लिए खड़े हैं, आपको अवेयरनेस देने के लिए खड़े हैं। बेशक हमारी अवेयरनेस के लिए खड़े हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा ये देखिए, मुझे ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, तो लास्ट टाइम भी आपको रोका गया था, आपने 3-4 दिन का टाइम मांगा था बाजी, जब मुझे और ऊपर डेट भी मेंशन है 26-21 को रोका गया, 26 का इन्होंने टाइम लिया था, अभी तक पे नहीं। पूरा डाटा देख लें मेरी, कितनी वो लैपटॉप वालों से बहस हुई है, मेरे कागज ये देखिए कितनी डेट को आए हैं, मैंने उनको भेजे की बात ही ना, मुझे बताएं कि परेशानी किसको हो रही है, इनको हो रही है या आपको हो रही है? नहीं मुझे हो रही है। अब क्या करें, 3-4 दिन बाद इन्होंने मुझे ये दिए मेरे डॉक्यूमेंट, फाइल मेरी दी, अभी तक नहीं हुआ बाजी, कल ही तो मैंने रिसीव की है उनसे जाके, तो कल ही आप करवा लेते, डेली आप गाड़ी भी तो लेके रोड पे मिले हैं मुझे, रात को कागज मिले हैं। अब तो ये मैं घर के ग्रोसरी और गोश्त वगैरह रोटी लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए निकला हूँ। अब अभी आप पे करेंगे? सारी बात है, जाऊँगा जाऊंगा, अभी तो गाड़ी आपकी बंद कर दी, आप पे करेंगे तो वो गाड़ी लॉक करेंगे। पे तो फाइल ही जमा होगी ना, घर से फाइल लाऊंगा तो फिर उधर फरीदकोट हाउस जाऊंगा ना। हाँ। फिर वो कागज, फाइल भी अभी आपके पास मौजूद नहीं है, फाइल घर पे है, रात को लेके आया हूं लैपटॉप वालों से। तो आप गाड़ी में तो रखते, कम से कम आपके गाड़ी के कागजात तो कंप्लीट होते। बेटों को मंगवा लेता हूं, चले मंगवाएं फिर। ऑफिस है वहां पे जा रहा हूं, इसको रजिस्टर कराने जा रहा हूं। तो आज भी है, कब के लिए हुई आपने ये? सर इम्पोर्ट तो मेरे ख्याल से कोई, लेकिन हमने पाया आज की है, जी ठीक है जी। ये जिन अंकल के नाम पे ये हमने करानी है ना, रजिस्टर करानी है, वो वहाँ पे ऑफिस है मेरा, वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहते हैं तो मैं आपकी बात भी करा सकता हूँ। चले आपके, लेकिन अगर आप देखें जैसे आप कहेंगे, अगर इधर आपने करनी है तो इधर कर दें, जैसे भी कहेंगे कोई मसला नहीं है हमें, हमने तो आज रजिस्टर करानी है। ये गाड़ी अप्लाइड फॉर के लिए रोकी गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑफिस है यहाँ पे, PIO ऑफिस, तो ये कह रहे हैं कि जी मैं अभी जो है ना, इन्होंने अच्छा सबूत दिया एक अच्छे शहरी का, वो कह रहे हैं जी मैं अभी जो है ना इसको रजिस्टर करूँगा, और इसकी जो रसीद है वो आपको दिखा के तो फिर जो है ना वो करूँगा, और मैं अभी बाय की और मैं इसको अभी लगवाने जा रहा हूँ, ये अच्छे शहरी होने का एक सबूत है। तो इनका इंशाल्लाह तआला अभी मैं कांस्टेबल इनको भेज के तो इनका नंबर लगवा के तो आज की रिकवरी में हमारे जो है ना ये नंबर ऐड हो जाएगा। नाजिम आपने देखा कि इस आदमी ने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया, ना सिर्फ महकमा एक्साइज के लोगों के साथ कोऑपरेट किया बल्कि टोकन टैक्स अदा करने का भी कहा है, और लोगों का क्या कहना है ये जानते हैं। अच्छा सर बताइएगा क्यों रोका गया इस गाड़ी को? इनका 1 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट था, तो ये पेमेंट करवा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट हो ही गई है पेमेंट इनकी, 12,500 रुपये। सर टोकन पे कर रहे हैं? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे शहरी हैं कि जो महकमा एक्साइज के साथ कोऑपरेट रेगुलर करता हूं, बस थोड़ा सा तो इस दफा लेट हो गए, भूल गए आप? बिजी रहा। अच्छा बिजी होने की वजह से ये मैं बीमार हूं, स्टंट पर। अच्छा, बीमारी की वजह से भूल गए थे, नहीं पे कर सके, अच्छी बात है। हर एक जो भी शहरी है उसको कोऑपरेट करना चाहिए महकमा एक्साइज के साथ, क्योंकि आज की छोटी सी परेशानी कल को किसी बड़ी परेशानी से आपको बचा सकती है। जी नासिर, आपने देखा कि लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिनके पास प्लाइट 4 गाड़ियां हैं, क्योंकि आज आपने देखा कि प्लाइट 4 गाड़ियां काफ़ी पकड़ी गई हैं
और लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। आप लाइट फोर गाड़ियाँ जिनके पास हैं वो सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाएं, उसके बाद रोडों पे लेके आएँ। जो गाड़ियाँ डिफाल्टर हैं जिन्होंने टैक्स पे नहीं किए और जो रजिस्टर नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज की जानिब से जो है वो जगह जगह पर आपने देखा कि नाके भी लगाए गए हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, उसके अलावा गाड़ियों को रोक के उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अगर आपकी गाड़ी भी रजिस्टर नहीं है और टैक्स नहीं पे किया तो जल्दी से अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाएं ताकि आपको आज की छोटी सी परेशानी आपको कल को किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।